जश हत्याकांड मामले में आज एक बड़ा सच सामने आया है। पुलिस ने जश मामले में चाची अंजलि के घर से मिली खून के धब्बे को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा था। अब उसकी टेस्ट रिपोर्ट ने पुलिस के हौसले को और भी मजबूत कर दिया है। एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा था कि हम आरोपी को किसी भी पार्कर का लाभ नहीं होने देंगे, उसके खिलाफ जितने भी हो सकेंगे सारे सबूत पेश करेंगे। जश हत्याकांड मामले में मंगलवार को डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही पुलिस का विश्वास पुख्ता हो गया है कि अंजलि ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, कारण कि उसी की निशानदेही पर पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित किए थे। वहीं दूसरी ओर परिजन अभी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार जांच के बाद हत्या के आरोप में पुलिस ने अंजलि को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में मालूम चला था कि उसने जश की हत्या के बाद पहले शव को बेड में रखकर बेड में डाल दिया था, फिर पड़ोस की छत पर फेंक दिया था। इस आधार पर पुलिस ने बेड, चादर, बेड पर मिले खून के धब्बे और बेड में फंसे बाल को डीएनए जांच के लिए भेजा दिया। रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि खून के धब्बे और बाल मासूम जश के ही हैं। दूसरी ओर हत्याकांड में परिजन लगातार पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। डीएनए रिपोर्ट के बाद भी परिजन संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं। पूर्व सीएम और किसान नेता राकेश टिकैत के आने की संभावना। जश के परिजनों को सांत्वना देने के लिए बुधवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमालपुर रोड़ान गांव में पहुंचेंगे। इसके बाद शाम को राकेश टिकैत के आने की भी संभावना जताई जा रही है। विदित हो कि इससे पहले पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी रोड़ान गांव पहुंचे थे। क्या आप चाहते हैं कि मासूम जश के केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए?